तो यस दिस क्लास इज फॉर एमबीएससी स्टूडेंट्स। और इसका जो है पीपीपी 610 में है एवियन पैथोलॉजी एमबीएससी में, उसी का ये क्लास है बेसिकली। तो टुडे आई विल नॉट टॉक अबाउट एनी डिजीज, बट इन जनरल हाउ यू कैन डायग्नोज ए डिजीज आउटब्रेक। कभी आपको किसी फॉर्म पे बुलाया जाए रिगार्डिंग कोई डिजीज डायग्नोसिस, तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिमाग में चलता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पहले आपको दिमाग में रखना होगा, जैसे कि किस एज में ज़्यादा तेज हो रहा है, ठीक है, एज बड़ा मायने करता है। तो एज का भी एक आइडिया होना चाहिए, हर हर एज में हर बीमारी नहीं हो सकती, तो उसका एक पोटेंटेटिव आइडिया होना चाहिए। प्लस आप ये भी जानते हो कि इन केस ऑफ पोल्ट्री जो सिम्टम्स होते हैं ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं, तो डायग्नोसिस बेस्ड ऑन सिम्टम तो नहीं हो सकता, लेकिन हाईली सजेस्टिव या सजेस्टिव हो सकता है फॉर एनी डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। तो कुछ सिम्टम्स के भी आपके आइडिया होने चाहिए। कुछ सिम्टम्स इन जनरली होते हैं जैसे डल, डिप्रेशन, हर्डलिंग, वो नहीं, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो इंडिकेट करें, हाईली इंडिकेट करें अबाउट एनी पार्टिकुलर डिजीज, उसके बारे में एक आइडिया होगा। प्लस मेन जो डायग्नोसिस होता है इन केस ऑफ पोल्ट्री दैट इज लीजन बेस्ड। तो कुछ लीजन्स ऐसे होते हैं जो पैथोग्नोमिक होते हैं, दैट विल क्लियरली इंडिकेट द डिजीज, और कुछ होते हैं हाईली सजेस्टिव, जिसके लिए फर्दर आपको लेबोरेटरी डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है। तब भी कुछ लीजन्स ऐसे जो आपको हेल्प करें डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, कुछ सिम्टम ऐसे जो हेल्प करें आपको डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, कुछ एज ग्रुप, कुछ इन्फ्लुएंसिंग बॉडीज, कुछ मिसेलेनियस पॉइंट, कुछ डिफरेंस बिटवीन द एवियन इन्फ्लेमेशन एंड मैमेलियन इन्फ्लेमेशन, इस तरह कुछ बातें हैं जो मैं आज आपको डिस्कस करूंगा इस क्लास में, ठीक है। और आपको बेनिफिट ये है कि ऑलमोस्ट सारे डिजीज पढ़ चुके हैं, अब एक तरह से एक रिवीजन है, एक रिकॉल है कैसे पोल्ट्री डिजीज डायग्नोसिस के एंड तक पहुंचते हैं फील्ड पे ऑन स्पॉट। मैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस का बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन स्पॉट कैसे आप डायग्नोसिस का एक आइडिया बना लोगे, एक टेंटेटिव डायग्नोसिस कैसे कर लेते हैं, उसका ये बेसिकली आइडिया है, ठीक है ना। सो मूविंग फॉरवर्ड, मैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट डिजीज बेस्ड ऑन सिम्टम्स। दोज सिम्टम्स विच विल इंडिकेट द डिजीज पॉसिबल कॉज, पॉसिबल डिजीज इन द पोल्ट्री पार्टिकुलरली। आपने मैरिज डिजीज का नाम सुना है, आप पढ़ चुके हो मैरिज डिजीज? यस सर। मैरिज डिजीज है बेसिकली ऑन्को हॉक्स वायरस, जिस ऑन्कोलॉजी कॉज करता है, ये ट्यूमर कॉजिंग डिजीज है। मैरिज डिजीज और ट्यूमर रिलेटेड है, ट्यूमर कॉजिंग डिजीज है, मगर इसके दो फॉर्म होते हैं, एक एक्यूट फॉर्म होता है और एक क्रॉनिक फॉर्म होता है। तो जो क्रॉनिक फॉर्म है बेसिकली या जो विसल फॉर्म है उसमें होते हैं ट्यूमर फॉर्मेशन, मगर जिसका एक्यूट फॉर्म है उसमें इसका सियाटिक नर्व इवन ब्रैकियल नर्व पैरालाइज हो जाते हैं, और ड्यू टू पैरालिसिस उसके लेग्स और विंग्स दोनों में पैरालिसिस दिखेगा, एक लेग आगे एक लेग पीछे की तरफ होगा। दो लेग्स में एक लेग विल बी टुवर्ड्स फॉरवर्ड एंड अदर लेग विल बी द टुवर्ड्स बैकवर्ड। इस तरह से कोई पैरालाइज बर्ड गिरा हो फॉर्म पे और उसका एज 6 वीक्स से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 6 वीक्स ऑफ एज हो, पैरालिसिस लेग्स एंड विंग्स में दिख रहा हो, और इस तरह से कि एक लेग आगे की तरफ है, एक लेग पीछे की तरफ है, तो हाईली सजेस्टिव हो जाता है फॉर मैरिज डिजीज। फिर इसका आपको लिजन देखने होंगे, पीएम करने होंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स ये टेंटेटिव आइडिया मिल जाता है, इट इज ए केस ऑफ मैरिज डिजीज। नेक्स्ट, कुछ ऐसा कंडीशन हो, कहीं सुनने को मिले फॉर्म पे सडन डेथ हो रहा है, फॉर्म अपीयर्स ब्लू, वेटल्स अपीयर्स ब्लू, सैंक एंड टोज अपीयर्स ब्लू, प्लस प्लस सीवियर हेड स्वेलिंग, आई डिस्चार्जेस, इस तरह के सिम्टम्स, नॉट लीजन्स, इस तरह के सिम्टम्स दिखे तो एवियन इन्फ्लुएंजा का इंडिकेटिव होता है। क्या होगा, सडन डेथ, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी, सीवियर हेड स्वेलिंग, आई डिस्चार्ज, प्लस हेमरेजेस ऑन द सैंक, सैंक में भी हेमरेज दिखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ ब्लूइश डिस्कलरेशन सैंक में नहीं होगा, पिन पॉइंट हेमरेजेस सैंक पे दिखने लगते हैं, तो ये और हाई मॉर्टलिटी, बहुत ज़्यादा मॉर्टलिटी होगा, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट इज फेशियल एडिमा विथ हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस। इसके केस में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, रानीखेत डिजीज में, इसके आपको थोड़ा आइडिया हो तो इसके
वेसोजेनिक फॉर्म होते हैं, मेसोजेनिक फॉर्म होते हैं, लेंटोजेनिक फॉर्म होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक फॉर्म होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं इसके केस में, और अकॉर्डिंगली इसके सिम्टम्स भी अलग अलग आते हैं. विसल सिम्टम हो सकता है, नर्वस सिम्टम हो सकता है, तो वेरियस टाइप ऑफ सिम्टम आ सकते हैं. नर्वस मैनिफेस्टेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशन हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मैनिफेस्टेशन हो सकता है, तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें मैनिफेस्टेशन हो सकता है. लेकिन कोई मैनिफेस्टेशन हो, नर्वस साइन हो, रेस्पिरेटरी साइन हो, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, और उसके कैसे फेशियल एडिमा होता है, एडिमा के साथ साथ हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस विथ हेमरेजिक, तो हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस हो, तो ये इंडिकेटिव है रानिकेटिस. नेक्स्ट इज फॉर इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस. ये क्लास मैंने लिया था, आपको बताया था, जो एक का क्वालिटी है बोथ इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी. एक कम होने लगे और एक सेल बड़ा पतला हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, वाटरी एल्बुमिन हो जाए, इस तरह के जब सिम्टम एक्स में दिखने लगे चेंजेस, तो ये इंडिकेटिव हो जाता है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का. और रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी साइन में एक ILT है, पढ़े होंगे आप, इन्फेक्शियस लेंजियोट्रेकाइटिस. इसके केस में सबसे बड़ी बात है कि ओपन माउथ ब्रीदिंग, पंप हैंडल ब्रीदिंग, इतना सीवियर डिस्पिनिया होता है कि उसको पंप हैंडल ब्रीदिंग या ओपन माउथ ब्रीदिंग बोलते हैं. और ब्लड अराउंड द नॉस्ट्रिल्स, इसमें हेमरेजेस बहुत होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में पार्टिकुलरली ट्रैकिया में बहुत ज़्यादा हेमरेज होता है. तो ड्यू टू हेमरेज, अभी चूंकि ब्लड खोल नहीं रहे, सिम्टम ही देख रहे हो, तो ये जो हेमरेजेस हैं नॉस्ट्रल से बाहर आ जाते हैं. तो वहाँ पर ड्राइड ब्लड इन द माउथ एरिया, वहाँ पर ब्लड का अपीयरेंस दिखेगा. So that is indicative of ILT, infectious laryngitis. Plus, मैं जब आपको infectious bronchitis पढ़ा रहा था, उसमें भी मैंने कहा था एक drop symptom से इसको आपको differential diagnosis करना पड़ेगा. तो EDS में भी क्या होता है, एक quality hamper होता है, मगर internal quality of एक hamper नहीं होते. अंदर का जो एलोमिन है, अंदर का जो योग है, वो normally होता है, लेकिन infectious bronchitis में एलोमिन भी change हो जाता है. तो ये particularly differentiation point है between EDS and इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस. वाटरी एलोमिन है तो इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस. एक्सटर्नल चेंज सेम जैसे ही होंगे, मगर एलोमिन डिसाइड कर देता है कि कौन सा चेंज है. नेक्स्ट है ट्रिमर्स ऑफ फेट. तो एपिडेमिक ट्रिमर का सिनोनिम भी है एवियन एन्सेफेलाइटिस का. बहुत ही अर्ली एज में होने वाला ये बीमारी है, विद इन वन वीक, और इसमें कन्वल्सन्स एंड ट्रिमर्स ऑफ फेट दिखेगा. बहुत अर्ली एज में दिख रहा है, तो हाईली सजेस्टिव फॉर एवियन एन्सेफेलाइटिस. नेक्स्ट फॉल कॉलरा. रिगार्डिंग सिम्टम, एक ड्रोलिंग ऑफ म्यूकस फ्रॉम माउथ, एक स्ट्रिंजी स्लेवरी म्यूकस, जैसे एनिमल्स होता है ना स्ट्रिंजी स्लाइवा ड्रोलिंग कह रहा है, उसी तरीके से फॉल कॉलरा में सीवियर ड्रोलिंग ऑफ म्यूकस फ्रॉम माउथ, इस तरह से अपेरेंस हो पॉल्टी फॉर्म में, तो इंडिकेटिव है फॉल कॉलरा का. एंड इन ड्रॉपिंग्स डेट इज फिकल मेटल मटेरियल इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ ब्लड. ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कोक्सीडियोसिस से ही होते हैं, सालमोनेला से भी हो सकता है, लेकिन इज सजेस्टिव ऑफ कोक्सीडियोसिस इफ देयर इज ब्लड इन द फिकल मटेरियल. नेक्स्ट इज इफ ए बर्ड अपीयर्स इट्स एब्डोमेन इज हाईली स्वेलन एंड एब्डोमिनल स्किन इज कंजेस्टेड. एब्डोमेन इज स्वेलन होते हैं मगर हार्ड नहीं होते. आप उसको पल्पेट करोगे तो फीलिंग होगा, वाटरी फीलिंग, हार्डनेस नहीं होगा. हार्ड अगर होगा तो लिम्फोइड लिकोसिस के चांसेस बनता है. एसआईटिस के केस में एब्डोमिनल स्किन का कंजेशन भी हो जाता है, और जो एब्डोमिनल स्वेलिंग है वो पल्पी टाइप का होता है, ऐसे वाटर आप टच कर. अगर लिम्फोइड लिकोसिस होगा तो एब्डोमिन तो इलाज होगा ही, डेट इज ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ लीवर. इसका मतलब वो बड़ा हार्ड होता है, उसका कंसिस्टेंसी भी अलग होता है. और ये अभी अभी आपने पढ़ा था केज लेयर फैटी, विटामिन डी डिफिशियंसी से बेसिकली, या केज लेयर जो केज में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता, उसके वजह से हाई लेइंग जो बर्ड्स होते हैं उसमें ये केस दिखेगा पैरालिसिस, और खड़े नहीं हो पाते, ये केज लेयर वाले बर्ड्स में देखने को मिलेगा. इन केस ऑफ रिकेट्स, ये भी विटामिन डी डिफिशियंसी से ही है. इसमें आप जानते हैं स्टिफ लेग्ड गेट, लेमनेस एंड टेंडेंसी टू रिमेन स्क्वेटेड, एक जगह सिकुड़ के बैठा रहना चाहता है, ज़्यादा मूव नहीं करना चाहता. कर्ल टोए पैरालिसिस, टोए का कर्लिंग हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा मूवमेंट, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ राइबोफ्लेविन, विटामिन बी वन डिफिशियंसी. और अगर उसका हेड इस तरह से ट्विस्टिंग हो जाए कि लगे कि तारा को देख रहा है, लगातार तारा की तरह भी देख रहा है, स्टार गेजिंग हो जाए, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये थायमिन डिफिशियंसी का. नेक्स्ट है स्केलेलिन.
इन द लिम्ब देयर विल बी स्केल लाइक एप्पल, जैसे फिश में होते हैं स्केल, उस तरह का अगर लिम्ब में दिख रहा हो तो दैट इज इंडिकेटिव ऑफ जिंक डिफिशियंसी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इफ मैंगनीज डिफिशियंसी अगर इन ए फ्लॉक, मैंगनीज डिफिशियंसी अगर हो जाएगा तो मॉर्टलिटी ऑफ एम्ब्रियो, एक सेल के अंदर ही एम्ब्रियो का डेथ हो जाता है। हैच्ड एग कभी हैच नहीं हो पाता, मतलब फर्टिलाइज्ड एग से कभी हैचिंग नहीं हो पाता, एम्ब्रियो का मॉर्टलिटी एक के अंदर ही हो जाता है। और ऐसे एम्ब्रियो को देखोगे तो पैरेट भी अपीयरेंस होता है एम्ब्रियो, यानी कि छोटे हो जाते हैं। सर ये बायोटिन की डिफिशियंसी से भी होता है ना, पैरेट की डिफिशियंसी से भी होता है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर मैंगनीज हो तो पहले मैंगनीज को टिक कीजिए। नेक्स्ट है स्लिप टेंडन, इट इज ड्यू टू कोलन डिफिशियंसी। ट्विस्टिंग ऑफ नेक, ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, जैसे स्टार गेजिंग ऊपर की तरफ देखता है सर, मतलब डोर्सली ट्विस्टिंग हो जाता है, इसमें सर वेंट्रली ट्विस्टिंग हो जाता है। ट्विस्टिंग ऑफ नेक बीनीथ ब्रेस्ट, दोनों पैरों की तरफ उसका सर वैसे अंदर की तरफ ट्विस्ट हो जाता है, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ एवियन इंसेफेलोमेलेसिया। एवियन इंसेफेलोमेलाइटिस अलग चीज है, ये ट्रीमर हो रहा है, ये इंसेफेलोमेलेसिया है, तो ये विटामिन ई डिफिशियंसी से होने वाला बीमारी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लीजन बेस्ड डायग्नोसिस बहुत हद तक हम लोग कर लेते हैं। सो उसको हम देख रिगार्डिंग, सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज, इन केस ऑफ कोलीबेसिलोसिस या कोलाई सेप्टिशीमिया, इसके केस में क्या होगा, फिब्रिन डिपोजिशन हो जाएगा। जैसे ही बर्ड को आप ओपन करेंगे तो उसके विशेष ऑर्गन्स के ऊपर एक बिल्कुल पतला वाइट येलोइस वाइट टाइप का एक लेयर जमा दिखेगा, जिसको आप पील कर सकते हो बाय हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। हार्ट के ऊपर हो जाएगा, लिवर के ऊपर हो जाएगा, और एयर सैक से भी होंगे, बिल्कुल क्राउडेड हो जाता है, उसके वजह से वाइटिस वाइटिस अपीयरेंस आने लगता है। तो इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है विसल गाउट से, तो विसल गाउट में वो फ्लोर लाइक अपीयरेंस होता है, जैसे वीट फ्लोर को छिड़क दिया गया। लेकिन कोलाई बैसिलोसिस में फिब्रिन बिल्कुल सीट की तरह होता है, कलर दोनों के एक ही जैसे होते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगर फिब्रिन मिल रहा है तो 90% चांस है ये कोलाई सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट है कोलाइजा, इन्फेक्शियस कोलाइजा आप जानते हो, सीवियर फेस स्वेलिंग, म्यूकस और पस विद फिब्रिन नेजल पैसेज एंड साइनस। आप उसका नेजल कैविटी खोलिए, उसमें अगर फिब्रिन दिख रहा है, पस और म्यूकस दिख रहा है, इट इज इंडिकेटिव ऑफ कोलाइजा। कोलोरम डिजीज, सलमोनेला का इन्फेक्शन है, ठीक है, सलमोनेला का इन्फेक्शन है। इसमें आप देखोगे कि जो लार्ज मतलब यंग बर्ड्स, एडल्ट बर्ड्स हैं, एग लाइंग बर्ड्स है, उसके जो एग लाइंग होते हैं उसमें आप देखोगे कि अनअब्सॉर्ब्ड योक्स है एंड लंग्स कंजेस्टेड, लिवर इज डार्क, प्लस ये सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्रोटिक फोकाई इन लिवर। छोटे छोटे हेमरेजेस तो आप लिवर में देखे, पिन पॉइंट हेमरेजेस ऑन द लिवर, मगर पिन पॉइंट नेक्रोटिक फोकाई इन द लिवर, ये खास है कोलोरम डिजीज के लिए। लिवर के ऊपर छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स देखेंगे, बहुत ही माइन्यूट पिन पॉइंट की तरह, नेक्रोटिक फोकाई, नेक्रोटिक फोकाई ओवर द लिवर लंग्स और हार्ट, इट इज हाईली इंडिकेटिव ऑफ सलमोनेला इन्फेक्शन, दैट इज कोलोरम डिजीज। नेक्स्ट इज टाइफाइड, इन टाइफाइड सब मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ब्राउन साइन ऑफ द लिवर। लिवर इज हाईली इनलार्ज्ड, इट इज डार्क रेड एंड इट अपीयर्स ए मेटेलिक साइन रिजेंबलिंग कॉपर ब्राउन लाइक, एंड इट इज हाईली इंडिकेटिव ऑफ टाइफाइड। नेक्स्ट इज कॉलरा, ए इम्पॉर्टेंट डिजीज, हेयर आई हैव टोल्ड यू इन कोलर केस ऑफ कोलोरम डिजीज देयर विल बी पिन पॉइंट नेक्रोटिक फोकाई ओवर द लिवर, बट इन केस ऑफ कॉलरा अलॉन्ग विथ पिन पॉइंट नेक्रोटिक स्पॉट्स देयर विल बी पिन पॉइंट हेमरेजेस, इट विल हेल्प यू इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ कोलोरम डिजीज एंड ऑल कॉलरा। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मोसिस, इन दिस केस if you open the bird you will see that the air sacs appears cloudy and it is filled with cheesy material due to exudation, high inflammation due to exudative material in the air sacs making them very cloudy, so it will indicate the case of mycoplasma. Next is spirochetosis, ekdam isko important dekho aap, if you remember Ranicke disease wahan pe aapne dekha tha in case of proventriculus, jaise hi proventriculus ko kholte hain uske jo ग्लैंडुलर टिप्स होते हैं, ऑन द टिप्स ऑफ द ग्लैंड यू कैन सी द हेमरेज स्पॉट्स इन केस ऑफ रानिक डिजीज, इन केस ऑफ इवन इन केस ऑफ बर्ड फ्लू,
बट इन केस ऑफ एस्पायरोकिटोसिस यहाँ पे जो हेमरेजेज होते हैं दैट इज नॉट ओवर द टिप ऑफ द प्रोबेंटिकुलर ग्लैंड बट इट इज इन बिटवीन ऑफ द प्रोबेंटिकुलर ग्लैंड। एकदम इम्पॉर्टेंट है डिफ्रेंशिएशन के लिए। ग्लैंड के टिप पे होगा तो रानी के डिजीज का हाईली सजेस्टिव हो जाता है। इन बिटवीन द प्रोबेंटिकुलर ग्लैंड के बीच में अगर लीनियर हेमरेजेज हो, छोटे छोटे हेमरेज होते हुए नहीं लंबे हेमरेज होते हैं, लीनियर हेमरेजेज होंगे तो दैट इज हाईली इंडिकेटिव ऑफ एस्पायरोकिटोसिस। प्लस इसका जो स्प्लीन है इट इज अबाउट 6 टाइम इनलार्ज फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइज। ह्यूज इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इज इंडिकेटिव ऑफ एस्पायरोकिटोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग जंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू दिस चेंजेस रिलेटेड टू एस्पायरोकिटोसिस। नेक्स्ट इज अनदर इन्फेक्शन कॉज बाई ईकोलाई। डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ ईकोलाई कॉजेज ग्लोमा फॉर्मेशन। इट रिजेंबल्स द टीबी। टीबी के केस में ग्लोमा फॉर्मेशन होता है, छोटे छोटे फॉर्मेशन हो जाते हैं ओवर द विसरल ऑर्गन्स। इसके केस में भी होते हैं, कोलाई ग्लोमा के केस में भी होते हैं। मिलेट शेप नोड्यूल्स ऑन सिरोस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर आप ये देखोगे कि इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद बेसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, तो यू नो टीबी के जो चेंजेस है हार्ट विजुअली नहीं मिलते आपको, ठीक है, पैंक्रियाज के ऊपर नहीं मिलते आपके नोड्यूल फॉर्मेशन। लेकिन कोलाई ग्लोमा में सीवियर नोडल फॉर्मेशन लार्ज इंटेस्टाइन के सिरोसल सरफेस पर भी होगा, प्लस यू कैन सी इट इन अदर ऑर्गन्स इवन ऑन द ओवर द हार्ट। ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है जिसे टीबी को हम लोग कर लेते हैं डिफरेंशिएट। प्लस आपको फर्दर स्मियर बनाने होंगे, कल्चर करने होंगे फॉर फर्दर डायग्नोसिस। इट दैट वाज फॉर बैक्टीरियल डिजीज। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम वायरल डिजीज। सो एज आई वाज टेलिंग यू इन केस ऑफ रानीखेत डिजीज द हेमरेज विल बी ओवर द टिप ऑफ द प्रोबेंटिकुलर ग्लैंड। मच इम्पॉर्टेंट, it will be hemorrhage will be the over the tip of the proventricular gland, plus hemorrhage and necrotic ulceration can be seen on the sickle tonsils. What we know that two sika hote hain, so at the point of bifurcation jahan pe sika banna shuru hota hai wahi pe sickle tonsils hote hain, so that will appear ulcerative, that will appear necrotic, that will appear hemorrhagic. To ye bahut important hai, do sika to do aise aapko अल्सरेटिव नेक्रोटिक स्पॉट्स दिखेंगे सिका में। प्रोबेंटिकुलर ग्लैंड्स के टिप पे अगर आपको हेमरेजेस मिल रहे हैं, और हेमरेज में वाइड स्प्रेड इंटेस्टाइन में वाइड स्प्रेड हेमरेजेस मिल रहे हैं, तो दैट इज ऑलमोस्ट पैथोजनोमिक फॉर रानीखेत डिजीज। फिर आपको लेबोरेटरी डायग्नोसिस की जरूरत ही नहीं है अगर ये सारे चेंजेस आपको मिल जा रहे हैं, ठीक है। अदर देन दिस देयर विल बी नेक्रोटिक स्पॉट्स ओवर द स्प्लीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिकल टॉन्स, चेंज इन द सिकल टॉन्सिल, चेंज इन द प्रोबेंटिकुलर टिप ग्लैंड एंड द हेमरेजेस ऑन द इंटेस्टाइन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज आईबीडी, इन्फेक्शन ब्रशल डिजीज और ग्रंपोरल डिजीज। इन दिस केस जैसा कि आप जानते ही हैं, इवन आपको एज ए सिम्टम में भी आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा आपको पीएम करने की जरूरत नहीं, जो जस्ट रिमूव द स्किन, उसका सिर्फ स्किन ही रिमूव करेंगे तो आप देखोगे देयर विल बी हेमरेजेस, लीनियर ब्रॉड हेमरेजेस इन द थाई एंड ब्रेस्ट मसल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। आप जानते हो ड्यू टू सम कोगुलोपैथीज प्रोड्यूस्ड बाय द आईबीडी वायरस there is hemorrhage in high muscles and the breast muscle, broad linear hemorrhages, ecchymotic hemorrhages you can see in the muscles. Plus if you open the bird you will see the bursa, and the change in the bursa is according to the duration of the infection. In early case there will be swelling jaisa ki yahan pe likha hai large bursa, but in later stage about 8 days of infection the bursa even atrophied. Initial case base 3-5 डेज में इलाज वर्षा होंगे, उसके बाद उसके अंदर हेमरेजेस दिखेंगे, ब्लड क्लॉट्स दिखेंगे, एंड विद इन 8 डेज एट्रोफी होकर बहुत छोटा हो जाता है, इवन जो हेमरेजेस में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड वर्षा विद सम ब्लड क्लॉट्स इनसाइड इट कैन ऑल्सो बी सीन इन द लेटर स्टेज, बट इन इनिशियल स्टेज इफ यू ओपन द वर्षा इट विल बी इनलार्ज्ड एंड हैव ए चीजी मास। जैसे आप खोलोगे ना तो ये व्हाइटिश तो चीज लाइक अपेयरेंस, उसको अपने सीजर से या फोर्सेप्स से हटा के देखिए तो एनफ होता है डायग्नोसिस के लिए कि चीजी मास अपीयरेंस इन द बर्सा। तो ये आईबीडी के लिए ऑलमोस्ट पैथोजनोमिक लीजन्स ही है। जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सिम्टम कैन नॉट बी पैथोजनोमिक फॉर एनी डिजीज इन पोल्ट्री, मगर बहुत सारे लीजन्स ऐसे होते हैं जो विदाउट डाउट कन्फर्म कर देते हैं द डिजीज विदाउट गोइंग टू द लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ठीक है। उसी तरीके से if you remember in case of infectious bronchitis सबसे important finding, और खासकर जो कम एज वाले जो बर्ड्स होते हैं उसमें बिल्कुल ये दिख जाएगा, क्या दिखेगा, caseous blood due to formation of mucus, hyperplasia and hypertrophy of goblet cells
लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस. यही म्यूकस धीरे धीरे एज ए कैसेस प्लग एक्युमुलेट हो जाता है. कहाँ पे? एट द बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया. ट्रेकिया जहाँ पे बाइफर्केट होकर दो ब्रोंकाई बनाएंगे, ठीक उसी पॉइंट पे है. क्योंकि मेन पॉइंट को उसने प्लगिंग कर दिया तो ऑलमोस्ट सफोकेशन में चला जाएगा. बर्ड्स उसका डेथ ही हो जाता है. इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस में जो मेजर डेथ होते हैं यंग एज में ही होते हैं, और यंग एज में ये एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है. एट द बाइफर्केशन रीजन ऑफ कैजल प्लग, केजल प्लग. और ये आसानी से दिखता है, इसमें कोई आपको एक्सरसाइज की जरूरत. Just open the trachea at the site where it's bifurcated into two bronchi. You can see the mucus plug. Other than this, in complicated cases, particularly lungs will be congested and you move kidney have urate. So, मैंने आपको बताया था कि infectious bronchitis में kidney में कोई change नहीं आता, मगर urate diffusion सिर्फ इसलिए हो जाता है कि उसका जो tubules होते हैं वो compression. Due to compression of the tubules, proper flowing नहीं हो पाता किडनी ट्यूब्यूल से, तो यूरेट धीरे धीरे जमा होने लगता है इन द किडनी ट्यूब्यूल्स. तो किडनी कैसा दिखेगा? स्वेलन, वाइटिस, उसके अंदर यूरेट्स का डिपोजिशन होंगे तो स्वेलन एंड वाइटिस, तो पता हो जाएगा डेट इज किडनी इज फिल्ड विथ यूरिक एसिड या सॉल्ट ऑफ यूरेट्स. अनदर इज ILT, इन्फेक्शस लेनिंजियोट्रेकाइटिस. ये बड़ा सिंपल है. इसके केस में जैसे ही बर्ड का ट्रैकिया को खोलोगे, इवन नहीं भी खोलेंगे, आप ट्रैकिया के दोनों एंड पे काट लीजिए और एक एंड पे आप स्क्वीज करो अपने दोनों फिंगर से, ट्राई टू स्क्वीज द ट्रैकिया. तो अगले एंड से आपको देखेगा रोपी लाइक ब्लड क्लॉट, इतना सीवियर हेमरेज होता है, इतना ज्यादा ब्लड क्लॉट हो जाता है ट्रैकिया में कि बिल्कुल रस्सी की तरह अगले एंड से निकल जाएगा. तो उससे पता हो जाता है कि ILT का केस है. तो ट्रैकिया सीवियरली इन्फ्लेम्ड एंड ब्लडी. खोल लेंगे तो ब्लड दिखना ही दिखना है, लेकिन अगर दोनों तरफ से काट के आप एक तरफ से प्रेस भी करोगे ना, तो अगले एंड से आपको एकदम रोपी लाइक ब्लड क्लॉट निकलना, वो भी ऑलमोस्ट इंडिकेटिव है ILT के लिए, इन्फेक्शियस लेनिंजियोट्रेकाइटिस के लिए. नेक्स्ट है पॉक्स. तो पॉक्स में आप जानते हैं कि दो तरह का या तीन तरह का बेसिकली लीजन होता है. एक स्किन फॉर्म है, डेट इज क्यूटेनियस फॉर्म, एक वेट फॉर्म है जो डिफ्रैटिक फॉर्म है, इवन एक ऑकुलर फॉर्म भी होते हैं. सो इन स्किन फॉर्म में क्या होगा? पॉक्स है एक लीजन. बड़ा सिंपल है, इसका थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन दो चार पाँच बार आप ये केस देख लो तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि कोई ट्रामेटिक, कोई इंजरी मार्क्स नहीं है, कोई वुंड हीलिंग का नहीं है, पॉक्स का ही लीजन है. तो पॉक्स लाइक अपीयरेंस, वेसिकल्स आप जानते हैं, पेपुल्स बनते हैं, फिर वेसिकल्स बनते हैं, फिर उसमें पस फॉर्मेशन भी हो सकता है, पस्टुल्स हो सकते हैं. तो वो जो पॉक्स लीजन होता है उसको देख के आप पहचान दो, बहुत ही आसान है. बस दो तीन बारी आपको ये केस एक दो तीन बारी आपने देख लिया समझ में आ जाएगा. और थोड़ा जो कन्फ्यूजन होता है ड्यू टू सम ट्रॉमेटिक इंजरी, तो पॉक्स के लीजन आप जानते हो कहाँ कहाँ पे होगा? जहाँ फीदरलेस पार्ट, जैसे कॉम है, सैंक है, फीट है, ऐसे जगह पे होते हैं. और इंजरी तो कहीं भी हो सकता है. तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन से आसानी समझ में आ जाता है. नेक्स्ट इज डिफ्रैटिक फॉर्म. ये वेट फॉर्म है और ये ज़्यादा खतरनाक है. तो अगर आपने बर्ड को नहीं भी PM किया है तब भी आप देख सकते हो, और जब PM कर रहे हैं तो बड़ा आसानी से दिखेगा. करना क्या है कि दोनों बिक्स को अपार्ट कीजिए और अपना सीजर से काट के उसको पूरी तरह से फैला दीजिए दोनों भी. उसके बाद आप ये देखेंगे कि उसका जहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एंट्री है या जहाँ पे ईसोफेगस शुरू होने का एरिया है, वहाँ पे एक लेयर सा जमा हो जाएगा, वाइट से येलोइस एक लेयर सा जमा हो जाएगा. और ये लेयर इतना टाइटली अडहर्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से कि आप उसको हटा नहीं सकते. जब हटाने की कोशिश करोगे तो म्यूकस मेम्ब्रेन में इंजरी हो जाएगी, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैटिक मेम्ब्रेन. और उसमें छोटे नोड्यूल्स, ये छोटे नोड्यूल्स बाद में कोलिज करके बड़े बड़े नोड्यूल्स ही बन जाते हैं. तो नोड्यूलर फॉर्मेशन एंड चीजी प्लेक्स ओवर द लैरिंग्स एंड ट्रेकिया, इट इज हाईली सजेस्टिव ऑफ डिफ्रैटिक फॉर्म ऑफ पॉक्स. नेक्स्ट इज एवियन इन्फ्लुएंजा. अभी तक जितने भी सिम्टम आपने पढ़े, जितने भी चेंजेज आपने पढ़े, सबको जोड़ दीजिए तो बर्ड फ्लू में ऑलमोस्ट सारे कुछ मिल जाते हैं. बर्ड फ्लू के केस में इतने चेंजेस मिलते हैं. अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है मैं आपको बताऊं कि आप इसका, इसमें पिन पॉइंट हेमरेजेस बड़ा महत्व रखता है. इवन हार्ट को आप निकालिए PM के टाइम पे, बर्ड का हार्ट को निकाल लो. और हार्ट के ऊपर आप जानते हो कि एपिकार्डियल फैट का एक्युमुलेशन होता है, जमा होता है वहाँ पे. और ये फैट यूजुअली लाइट येलोइश टाइप का दिखते हैं. इन केस ऑफ बर्ड फ्लू क्या होगा? ड्यू टू पिन पॉइंट हेमरेजेस ओवर दिस येलो फैट ओवर द हार्ट, उसमें एकदम ऐसा लगता है कि बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर आता है. येलो बैकग्राउंड के ऊपर छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स ऑफ हेमरेजेस ओवर द हार्ट, तो एकदम देखोगे तो बड़ा ब्यूटीफुल पिक्चर आएगा. और दैट इज हाईली सजेस्टिव ऑफ बर्ड फ्लू. बाकी चीज तो बहुत सारे आप जानते ही हैं. आप जानते हो ग्लूसनेस ऑफ कॉम होगा, उसके सैंक में भी हेमरेज होते हैं, हेड स्वेलिंग, हाई डिस्चार्ज. फ्लू है बेसिकली, तो नेचुरली रेस्पिरेटरी चेंजेस होंगे.
हेड स्वेलिंग होगा, आई डिस्चार्ज होगा, लेकिन ये हार्ट का चेंज जो मैं आपको बता रहा हूँ प्लस मसल में चेंज, जैसे कि आईबीडी में होता है मस्कुलर हेमरेज, इसमें भी आपको दिखेगा। आप देखो पेरिवेंट्रिकुलस में भी हेमरेज दिख रहा है जैसे स्पायरोकिटोसिस में दिखते हैं, लेकिन इसका जो हेमरेज होता है पेरिवेंट्रिकुलस का, उसके लिए आपको पेरिवेंट्रिकुलस खोलने की भी जरूरत नहीं, एबव सरफेस में ही दिखेगा, सिरोसियल एरिया में ही दिख जाएगा हेमरेज। ठीक है, तो एवियन इन्फ्लुएंजा के जो रीजन है बड़ा वेरिड है, हर तरह के चेंजेस मिल सकते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा में। नेक्स्ट है मैरिक्स डिजीज। तो इन केस ऑफ एक्यूट केस जहाँ पे नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली, और ये ज्यादातर केस में यूनिलैटरल होते हैं, तो बर्ड्स के दो सियाटिक नर्व है, दो ब्रैकियल नर्व से, अगर आपको पता नहीं कितना बड़ा होगा कितना पतला होगा तो इलाज कैसे जानोगे, तो आसान है, बिल्कुल आसान है, दोनों ही नर्व को एक साथ खोल के देखिए, चूंकि यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट है तो एक मोटा और एक पतला आपको दिखना ही दिखना है, तो आप आसानी से कंपेयर कर लेते हो कि देयर इज इनलार्जमेंट ऑफ सियाटिक नर्व और ब्रैकियल नर्व, तो सिम्टम है आपके पास पैरालिसिस का। इन क्लासिकल केस या एक्यूट फॉर्म इनलार्जमेंट ऑफ द सियाटिक एंड ब्रैकियल नर्व्स ये एकदम ऑलमोस्ट कंफर्म ही कर लेता है डिजीज को, और एज है, ओल्डर एज में होते हैं, तो एज को सामने रखिए और ब्रैकियल नर्व्स और सियाटिक नर्व्स को देख लीजिए, इनलार्जमेंट तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो जाता है। इन केस ऑफ एक्यूट फॉर्म ऑफ मैरिज डिजीज जहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ हो, लिवर, हार्ट, स्प्लीन, किडनीज एंड गोनाड्स, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लिम्फाइड लिपोसिस के साथ भी हो सकता है प्लस टीबी के साथ भी हो सकता है, तो दैट इज इंडिकेटिव, मगर ये हाईली सजेस्टिव नहीं होता मैरिज डिजीज का केस में। थोड़ा थोड़ा आपको डिफ्रेंशिएशन हो सकता है लिम्फाइड लिपोसिस से, जैसे उसके केस में लीवर हाईली इनलार्ज होता है, ठीक है, प्लस मैरिज डिजीज का स्किन भी इन्वॉल्व होता है, पोल्ट्री का स्किन भी इन्वॉल्व होता है, उसमें भी ट्यूमरस ग्रोथ हो जाता है, लेकिन लिम्फाइड लिपोसिस के केस में नहीं होता। अब फर्दर डायग्नोसिस के लिए आपको लेबोरेटरी में जाना होगा, लेकिन ये कुछ ऐसे चेंजेस है जो दोनों का डिफरेंशिएट कर सकता है, यूज इनलार्जमेंट ऑफ लीवर और लिम्फाइड लिपोसिस होगा, ठीक है, प्लस स्किन का इन्वॉल्वमेंट भी है, अगर ट्यूमरस हो रहा है तो मैरिज डिजीज ही, बाकी चेंजेस इन द हार्ट, स्प्लीन, किडनी, गोनाड वो सारे लिम्फाइड लिपोसिस की तरह ही होते हैं। जैसा लिम्फाइड लिपोसिस में देख रहे हो ग्रेटली इनलार्ज, लीवर इसे बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बिग लीवर डिजीज ही बोलते हैं, प्लस ट्यूमर इसको ऐसे ही होंगे जैसे मैरिज डिजीज में होता है। जो मैंने आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बताया है अलोंग विद एज, अगर उसको सामने रखोगे तो डिफरेंशिएशन हो जाता है इन दोनों, जो न्यूप्लास्टिक चीज है दोनों में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एवियन इंसेफलाइटिस के केस में मैंने बताया कि बड़ा यंग एज में होता है विद इन वन वीक, इसका जब पीएम करेंगे तो आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, जो भी चेंज आप उम्मीद करेंगे कहाँ पे करेंगे, ब्रेन में करेंगे, लेकिन इवन ब्रेन में कोई ग्रॉस चेंज नहीं होता है। हिस्टोपैथोलॉजी करोगे तो आपको कंजेशन दिखेंगे, कुछ हेमरेजिक स्पॉट्स भी दिखेंगे, किसी ऑर्गन में कोई चेंज तो होना नहीं था, जो एक्सपेक्टेशन था सिर्फ ब्रेन ही ब्रेन में था, लेकिन इवन ब्रेन में क्रॉस चेंज नहीं दिखते, हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस दिखते हैं। मैंने इस पर इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इसका जो डायग्नोसिस होता है डेट इज बेस्ड ऑन द ट्रीमर्स, वन वीक का हो और सीवियर ट्रीमर फॉर्मेशन हो रहा है चिक्स के केस में, तो डेट इज हाईली सजेस्टिव ऑफ एवियन इंसेफलाइटिस, ट्रीमर इंपॉर्टेंट है, लीजन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन केस ऑफ एग ड्रॉप सिंड्रोम ओवरीज विल बी इनएक्टिव, आप जानते हो वर्ड में आपने पढ़ा है इसको, एंड दिस इज ए लीची डिजीज। अभी क्या हो रहा है कि मार्केट का इतना डिमांड है कि कम समय में आप बर्ड्स का ज़्यादा वेट लेना चाह रहे हैं, तो उसका कुछ मैनेजमेंटल, उसका फीडिंग कुछ ऐसे कर रहे हैं, प्लस ब्रीडिंग ऐसा किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे स्ट्रेन पोल्ट्री का आ रहे हैं कि बहुत जल्दी ग्रोथ को अपना पकड़े, विद इन 25 डेज वो मार्केट में बेचने लायक हो जाते हैं, एक केजी से भी ऊपर हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट कोई डिजीज मतलब कोई पैथोजेंस का हो, लीची डिजीज कैन बी ए मेटाबॉलिक डिजीज, इसके इसमें क्या होता है कि हार्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर पुट हो जाता है, अब इतना तेजी से उसका बॉडी वेट बढ़ रहा है उसके लिए हार्ट एक्स्ट्रा काम कर रहा होता है, हार्ट में चेंजेज आने से हो जाता है, और लीची डिजीज नाम ही रखा गया है कि लीची लाइक एफरेंस है, एक लीची को आप पील कर लीजिए उसके बाद लीची अपने सामने रखो और लीची डिजीज के बर्ड्स का हार्ट निकाल लीजिए उसको अपने सामने रखो, दोनों बिल्कुल एक ही जैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, वाइटिस, बिल्कुल वाइटिस ऑपेक टाइप का दिखेगा। और ये होता क्यों है, और जो पेरिकार्डल सैक है हार्ट के ऊपर जो विसर पैराइटल पेरिकार्डियम है उसके बीच में एक्स्ट्रा एकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, और वो धीरे धीरे विद इंफ्लामेटरी प्रोसेस वो वाइटिस हो जाता है, तो इट विल अपीयर एज ए लीची, इसीलिए इसको हम लीची डिजीज बोलते हैं। नेक्स्ट रिगार्डिंग फंगल डिजीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमेशा आपको देखने को मिलेगा फॉर्म पे, डेट इज एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस कैसा है, फंगस है, इसका मतलब ग्लोमेटस इन्फ्लामेशन काउज करेगा, ग्लोमेटस इन्फ्लामेशन ग्रॉसली कैसे विजिबल होगा, इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स,
और एस्परजिलोसिस कैसे जाता है थ्रू एयर नेजल रूट, मतलब एयर इन्फेक्शन है तो कहाँ पे चेंजेस देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिम्टम में देखेंगे तो ग्रेनुलोमा और नोडल फॉर्मेशन इन द नेजल पैसेज, ट्रैकिया, एयर सैक, लंग्स, लंग्स टॉप देखोगे ड्यू टू ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सॉरी फंगस के ग्रोथ होने की वजह से वो कैसा हो जाता है, इसे ब्रेड ब्रेड जो होता है ना मार्केट में जो खराब हो जाते हैं पुराने हो जाते हैं, इसका फंगस ग्रो हो जाता है, जो कलर चेंजेज आने लगते हैं उसी तरह का कलर चेंज इसके लंग्स में आने लगेगा, क्योंकि एस्परजिलोसिस भी एक फंगस ही है और अगर ग्रोथ कर रहा है विद टाइम ओवर द लंग्स तो बिल्कुल उसी तरह का अपीयरेंस हो जाएगा लंग्स के ऊपर। नेक्स्ट इज फैबस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसानी से पहचाना जा सकता है, जो गाय को जो चोकर खिलाते हैं ना ब्राउन, जैसे ब्राउन को आपने स्प्रिंकल कर दिया ओवर द फॉर्म, फॉर्म के ऊपर ब्राइन लग डिपोजिशन है तो डेट इज इंडिकेटिव ऑफ फैबस डिजीज। नेक्स्ट इज थ्रस और कैंडिडिएसिस, कैंडिडिएसिस भी आसानी समझ में आता है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टर्किश टावर लाइक थिकनी, क्रॉप को खोलिए, यहाँ पे स्टोर करता है फूड पोल्ट्री, उसके क्रॉप को खोलिए, टर्किश टावर लाइक जो आपने स्वाइन फीवर में पढ़े होंगे किडनी के ऊपर टर्किश एग लाइक अपीयरेंस, यहाँ उसी से मिलता जुलता टर्किश टावर लाइक अपीयरेंस इन द क्रॉप, आंसर हो या नहीं हो लेकिन क्रॉप में अगर टर्किश टावर लाइक अपीयरेंस हो रहा है तो डेट इज इंडिकेटिव ऑफ थ्रस, ठीक है। इसके चेंजेस क्रॉप में ही, तो क्रॉप को गौर से देखिए, व्हाइट सीजी मटेरियल हो टर्किश टावर लाइक अपीयरेंस हो तो डेट इज कंडीशन ऑफ थ्रस। एप्लोटॉक्सिकोसिस और एस्परजिलोसिस में यह अंतर है कि इसमें फंगस डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसमें फंगल के टॉक्सिन्स इन्वॉल्व है, इससे फंगस अंदर जाता है, इसे फंगल के प्रीफॉर्म टॉक्सिन्स अंदर जाते हैं, फीड में ग्रो करता है फंगस वहाँ टॉक्सिन्स लिबरेट करता है और टॉक्सिन्स अंदर जाएंगे, इसका मतलब ये थ्रू फीड जाएगा, ये थ्रू एयर जा रहा है तो ये थ्रू फीड जाएगा, फीड्स के जाने के बाद ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होंगे। और इसके बेस सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, येल्लो इज लिवर और इन लार्ज लिवर, ठीक है, लीवर हाईली लार्ज हो जाते हैं और बिल्कुल येल्लो हो जाते हैं, चूंकि इम्यूनो सप्रेसिव भी होते हैं, इसके इम्यूनो सप्रेसिव से अदर जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया वायरस है बॉडी में वो सब ग्रोथ करके इसके सारे लीजन्स को अल्टर ही कर देते हैं, लेकिन ये एकदम बेसिक फाइंडिंग है कि लीवर एकदम लार्ज होगा ही और येल्लो होगा, ठीक है। स्क्रीन भी लार्ज हो जाता है प्लस हेमरेजेज होते हैं थाई मसल्स में, डेट इज लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है लीवर का चेंज इन केस ऑफ एप्लोटॉक्सिकोसिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने डील किया। कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या इन जनरल कुछ मिसलेनियस को मैंने एक जगह पे किया है, जैसे मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट गाउट, अब जानते हैं गाउट दो फॉर्म में होते हैं, विसल गाउट और आर्टिकुलर गाउट, आर्टिकुलर मीन्स जॉइंट, तो जब जॉइंट को खोल के देखेंगे तो वहाँ पे चीजी मटेरियल प्लस वाइट डिपॉजिट ड्यू टू द सॉल्ट ऑफ यूरिक एसिड तो पता हो जाता है, प्लस लेमनेस जो उसका साइन होगा उससे पता हो जाता है, विसल वाले मैंने बताया कि इसका कन्फ्यूजन होता है फिब्रिन से, तो ये कैसा होगा, वीट फ्लोर की तरह, ये सीट की तरह नहीं होगा, व्हाइट होगा और फ्लोर की तरह दाने दाने ग्रेनुलर अपीयरेंस आएगा पूरी विसल ऑर्गन पे, तो डेट इज विसल ऑर्गन विसल गाउट, और जब जॉइंट इन्वॉल्व होगा सिंपल तो आर्टिकुलर गाउट, ठीक है। मेन जो गाउट के चेंजेस होते हैं फ्रॉम रीनल गाउट, बाकी जितने एक्सटेंशन है उसके वो सब एक्सटेंशन ही है रीनल गाउट, एक बार रीनल में चेंजेज आने लगेंगे तो विसल में भी चेंजेज आने लगेंगे, जॉइंट में भी चेंजेज आने लगेंगे, केस ये हो या ये हो उसका किडनी जरूर देखेगा, किडनी देखेगा तो हाईली नेफ्रोटिक किडनी, स्वेलन किडनी, बिल्कुल व्हाइट इज पैक्ड विद द सॉल्ट ऑफ यूरिक एसिड तो पता हो जाता है कि दैट इज अ केस ऑफ गाउट। एसआईटीस ये मैंने आपको डील किया, रिकेट्स मैंने आपको बता दिया, एक इंपॉर्टेंट है बम्बल फुट, ठीक है, बम्बल फुट जो फुट पैड होता है बर्ड्स का फुट पैड में देखो टेनिस बॉल लाइक ग्रोथ हो जाएगा, एक टेनिस बॉल जिस तरह से होता है ना इतना बड़ा ग्रोथ हो जाएगा उसके अंदर पस फॉर्मेशन हो जाएगा, टेनिस बॉल लाइक अपीयरेंस विद एब्सिस फॉर्मेशन इन द फुट पैड इज इंडिकेटिव ऑफ बम्बल फुट। देखो टाइम का मैं दोबारा आपको रीऐड करूंगा, तो 15-20 मिनट है मेरे पास, अभी कुछ रह गया बताने को मुझे, तो अभी एक एक कट जाएगा, ठीक है, तो हम लोग फिर से ऐड होंगे। नेक्स्ट इज हीट स्ट्रेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जैसे गर्मियों के टाइम पे मुर्गियाँ लगातार मरेंगे फॉर्म पे, कैसे जानोगे डेट इज ड्यू टू हीट स्ट्रेस, उसके मसल्स देखिए, उसके मसल्स ऐसा लगे जैसे बॉयल कर दिया गया, तो कुक्ड मीट अपीयरेंस होंगे ना, डिहाइड्रेटेड होगा प्लस कंजेस्टेड होगा, कुक्ड मीट अपीयरेंस डिहाइड्रेटेड एंड कंजेस्टेड इज सजेस्टिव ऑफ हीट स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट इज स्मूथरिंग, ये ऑब्जेक्टिव में आया था जो बहुत सॉल्व नहीं कर पाए थे, स्मूथरिंग क्या है, डेट इज सफोकेशन, एंड इन केस ऑफ सफोकेशन देयर विल बी कंजेशन ऑफ ट्रेकिया एंड लंग्स, बड़ा ही सिंपल था लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट इज एग बॉन्ड कंडीशन, इसके केस में क्या होगा कि ड्यू टू ब्लाइंड लेयर्स जो होते हैं जो एक को बाहर नहीं निकाल पाते ड्यू टू सम एनाटॉमिकल मालफॉर्म,
सो हम लोग बातें कर रहे थे एग बॉन्ड कंडीशन का, बड़ा सिंपल है आप जानते हैं। इन केस ऑफ एग पेरिटोनाइटिस, कभी कभी जब एग ले नहीं होता तो ड्यू टू पेरिटोनियम आ जाता है एंड इन द पेरिटोनियम इट कॉज इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, तो पूरा एब्डोमिनल कैविटी स्वेलन हो जाएगा और बहुत ही फाउल स्मेलिंग हो, जैसे ही खोलेंगे आपको बदबू आएगा कि फाउल स्मेलिंग, तो दैट इज इंडिकेटिव ऑफ एग पेरिटोनाइटिस। ठीक है, इन केस ऑफ टेपवॉर्म, इन केस ऑफ टेपवॉर्म लंबे लंबे टेप आप आँख से आसानी से दिखते हैं, इजिली विजिबल, तो इजी विजिबल है और अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल फंसे हुए होते हैं, तो डेट विल बी टेप फॉर्म। ऑक्सीडियोसिस में मैंने बताया, ऑक्सीडियोसिस आपने डिटेल पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे नहीं याद है, लेकिन इन केस ऑफ सिकल, सिकल कॉक्सीडियोसिस पार्टिकुलरली, इन केस ऑफ सिकल कॉक्सीडियोसिस जैसे ही आप सिका देखोगे ना तो हाईली इनलार्ज बैलून की तरह इनलार्ज होता है, और उसको खोलेंगे तो क्लॉटेड ब्लड, हाईली इनलार्ज बैलून विद क्लॉटेड ब्लड इन द सिका इज ऑलमोस्ट कन्फर्मेटिव फॉर कॉक्सीडियोसिस, सिकल कॉक्सीडियोसिस। एंड इन केस ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी, देयर विल स्किन में बेसिकली चेंज आएंगे, वेसिकल फॉर्मेशन, पस्टुल फॉर्मेशन ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन, क्रॉप, हाइपरकिडोसिस हो जाएगा, ये सब जानते हैं। मैं थोड़ा सा और टेक्निकल में जाऊँ, ये रेफरेंस पर्पज से आपके लिए होगा, इसको आप रेफरेंस पर्पज की तरह यूज कर सकते हैं, अभी फिलहाल तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास अगर ये होगा लेक्चर, ये नोट्स, तो आपको बाद में हमेशा काम आएगा। एज बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिजीज डायग्नोसिस में, कहीं बुलाया जाए तो सबसे पहले आप देखते हो किस एज ग्रुप में ज़्यादा हो रहा है, तो जैसे डिफरेंट बैक्टीरियल डिजीज है, इकोलाई है, सल्मोनेला है, पास्टेरेला है, एम्फाइलस है, क्लिस्ट्रिडियल है, माइकोबैक्टीरियम है, माइकोप्लाज्मा है, तो इसमें इकोलाई हो गया, सल्मोनेला का इन्फेक्शन हो गया, क्लिस्ट्रिडियम हो गया, ये कुछ ऐसे हैं, माइकोप्लाज्मा है, तो किसी भी एज में, किसी भी एज में मिले, ठीक है, मगर सल्मोनेला प्लोरम जो हो गया इसको याद रखिए कि लेस देन 3 वीक्स ऑफ एज में मिलता है, ठीक है। और ये जो गैलिनेरम है या पास्टेरेला है या कोराइजा है, ये जल्दी चिक्स में नहीं मिलते, सल्मोनेला गैलिनेरम मतलब कि टाइफाइड प्लस पास्टेरेला मल्टीसीडा प्लस एम्फाइलस, ये सब चिक्स में नहीं मिलते, ठीक है। सल्मोनेला का इन्फेक्शन प्लोरम का होगा, बैसिलरी वाइट डायरिया होगा, तो बहुत छोटे एज में होगा, लेस देन 3 वीक्स, मगर वही गैलिनेरम का होगा तो चिक्स में नहीं होगा, ग्रोस या एडल्ट में होंगे, उसको देख लीजिएगा, इसे मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बताना आपको, लेकिन इट विल हेल्प यू इन एज ए रेफरेंस, कभी भी जरूरत पड़ा था उसको खोल के देख सकते हैं। रिगार्डिंग वायरल डिजीज, वायरल डिजीज में देखिए मैराक्स डिजीज मैंने बताया 6 से ऊपर ही होना चाहिए, ल्यूकोसिस एडल्ट बर्ड्स में ही होते हैं, न्यूकैसल डिजीज चिक्स में नहीं होता है, रानी का डिजीज जेली चिक्स में नहीं मिलते, पॉक्स किसी भी एज में हो सकता है, ILT चिक्स में नहीं मिलता, ठीक है, उस तरीके से IBD एडल्ट में नहीं दिखता, तो कम एज में ही दिखते हैं, और एवन फ्लू बर्ड फ्लू कभी भी हो सकता है, और ये जहाँ पर स्टार मार्क किया हुआ है जैसे मैराक्स डिजीज हो गया, लिम्फोइड ल्यूकोसिस हो गया, IBD हो गया, ये सारे इम्यूनो सप्रेसिव डिजीज वायरस के, मैराक्स ये भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं, मैराक्स डिजीज, लिम्फोइड ल्यूकोसिस, IBD, दीज आर इम्यूनो सप्रेसिव डिजीज। रिगार्डिंग फंगल, एस्पर्जिलोसिस चिक्स में होते हैं, ठीक है, एस्पर्जिलोसिस चिक्स में होंगे, और जो टॉक्सिकोसिस होता है वो कभी भी हो सकता है, फंगस का इन्फेक्शन एस्पर्जिलस का चिक्स में होगा, लेकिन फंगल टॉक्सिन का किसी भी समय हो सकता है, या आपका टॉक्सिकोसिस हो, पेजियोटॉक्सिकोसिस हो, या आपका टॉक्सिकोसिस हो, किसी भी एज में हो सकता है। रिगार्डिंग पैरासाइट, कॉक्सीडियोसिस चिक्स में, ग्रोथ में एडल्ट में बहुत काम दिखता है, ज़्यादा केसेस कॉक्सीडियोसिस के चिक्स में ही होते हैं, एडल्ट केस में कॉक्सीडियोसिस बहुत रेयर ही मिलेगा। हिस्टोमोनियोसिस 1 to 3 months का, इसका मतलब बेसिकली लेयर का है, ये ब्रॉयलर्स में नहीं होते, निमेटोड्स कभी भी हो सकता है। हीमोपैरासाइट्स, हीमोप्रोटोजोआंस जो बेसिकली एडल्ट में कम देखने को मिलता है, चिक्स ग्रोअर्स में ज़्यादा होंगे, उस तरीके से एक्टोपैरासाइट्स चिक्स ग्रोअर्स में ज़्यादा होते हैं। ये एक लिस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट किस चीज़ का है, ये लिस्ट है ट्रिमेटोड्स का, अभी आपने पढ़ा नहीं, लेकिन ये लिस्ट है पूरा ट्रिमेटोड्स का, तो ट्रिमेटोड कौन कौन से होंगे इस लिस्ट से, सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि बर्ड में ट्रिमेटोड कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इधर वाले कॉलम को आप देखो कि क्या क्या है, ऑक्सिस्फ्लोरा है, सिंगामस ट्रेकिया है, गैंगलोनेमा है, टेट्रामर्स है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लेस इंपॉर्टेंट है, जैसे सिंगामस ट्रेकिया बहुत इंपॉर्टेंट है, गैंगलोनेमा इंग्लुबिपोला बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्रामर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिलेरिया इंपॉर्टेंट है, एस्केरेडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एट्रैक इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ट्रिमेटोड्स के नाम आपको जानना है, ये पूरा स्लाइड में सिर्फ ट्रिमेटोड्स ही है, नाम जानने के बाद उसके लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई में लैक्रिमेटक्ट में ऑक्सिस्फ्लोरा, इसी तरीके से आता ही ऑब्जेक्टिव, विच ट्रिमेटोड यू कैन सी इन द आई और लैक्रिमा डक्ट पोल्ट्री, तो ऑक्सिस्फ्लोरा अगर है तो कर लेंगे, विच इज फाउंड इन द ट्रैकिया, सिंगामस ट्रैकिया नाम सही है, और ये मेल फीमेल एक साथ होते हैं, इनके वाई शेप बना के ट्रैकिया में पड़ा रहता है, मेल फीमेल एक साथ इन शेप ऑफ वाई,
तो ये सिंगे में स्ट्राइक किया, ठीक है। क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गैंगलियोनेमा एंगुलोपोला पूछा जाता है क्रॉप में कौन सा है, तो इकलौता नाम ही है तो इसलिए आपको याद रखना। प्लस प्रोवेंटिकुलस में कौन सा पैरासाइट होगा, तो इकलौता नाम टेट्रामियर्स ही है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ये सब आपको भूलना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिजार्ड में क्या हो सकता है, इसको सिका में क्या हो सकता है, सिका में क्या हो सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा देख लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका डिटेल करूँ, लेकिन ये लिस्ट है, मैं ट्रिमेटोडा कहीं लिखा नहीं है लेकिन लिस्ट है ट्रिमेटोडा का, याद रखिएगा, उसके पैरासाइट्स है प्लस उसके लोकेशन है। इस तरीके से सिस्टोड्स के लिए, पोल्ट्री के सिस्टोड्स के सभी इंपॉर्टेंट है, जो भी यहाँ से यहाँ तक है सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेलेटिना, डिवाइनिया, क्वेंटिनिया, एमिनोलेपिस, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है और सारे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इस स्लाइड से एटलीस्ट नाम जान जाओ कि ये चार इंपॉर्टेंट सिस्टोड्स हैं जो पोल्ट्री में पाए जाते हैं, बाकी डिटेल आपको पढ़ाएंगे ही, जो डिटेल पढ़ोगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रिमेटोड्स का इंपॉर्टेंट है, सॉरी निमाटोड्स था, मैंने बहुत गलत किया था, ठीक है। फर्स्ट वाला था वो जिसमें मैंने नहीं लिखा था, डेट इज निमाटोड्स, और ये है आपका ट्रिमेटोड्स। ट्रिमेटोड्स दो इंपॉर्टेंट है, एकाइनोस्ट्रोमा और प्रोस्थोवेनिमस। सीका में कौन सा पाया जाएगा, एकाइनोस्ट्रोमा, ठीक है। वर्षा में कौन सा पाया जाएगा, प्रोस्थोवेनिमस, इसको याद रखिएगा, ठीक। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्टोपैरासाइट्स है उसको भी याद देख लेना, याद कर लेना। फॉल टिक किसको बोलते हैं, प्रोजेक्टिव में ऐसे ही आता है विच इज फॉल टिक, तो आर्गस पर्शिकस। फिर कुछ ऐसे माइट्स हैं जो स्किन में होते हैं, कुछ अंडर द स्किन होते हैं, तो वैसे ही पूछ लिया जाएगा विच माइट इज फाउंड इन द डर्मिस, तो उसमें चारों ऑप्शन होंगे, इसमें ये भी होगा नीडोकॉक्कस म्यूटेंस, तो ये इस अपर लेयर पे नहीं पाया जाता, डीप अंदर पेंटेड किया हुआ रहता है, ठीक है, अंडर द स्किन होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस हीमोपैरासाइट्स नाम तो कम से कम जान ही लो, लिकोसाइटोजोन, प्लाज्मोडियम, हेमोप्रोटियस और एजेप्टिलिना, ये सब नाम जान लीजिए। ये तीनों ही तीनों आरबीसी के हैं, और ये लिकोसाइटोजोन लिकोसाइट आरबीसी दोनों में मिलता है, ठीक है। कुछ पैरासाइट्स हैं जैसे कि ऑक्सीडिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हिस्टामोनस ब्लैकेट जो कॉज करता है, और सीका और लीवर में होता है। ये सारे ही लिस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसको और आप समराइज करके अपन लिख कर सकते हैं तैयार, जैसे होस्ट आप एक बार इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इधर वाले इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ और इंपॉर्टेंट बात, जैसे मेसोस्क्रिप्ट्स और कनेक्टिक्यूट, फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ये आईबी वायरस के स्ट्रेन है जो रेस्पिरेटरी सिम्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अफेक्ट करता है, मेसोस्क्रिप्ट्स एंड कनेक्टिक्यूट, ठीक है। इस तरीके से एवियन इन्फेक्शस ब्रोंकाइटिस जो किडनी को अफेक्ट करता है, ट्री ग्रे एंड होल्टी, अगर आपने क्लास किया होगा तो आपको याद होगा, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। वाटरी वाइट एल्बुमिन ब्लाइंड लेयर्स आपको मैंने बताया था इन्फेक्शस ब्रोंकाइटिस में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ बर्ड फ्लू डक्स यानी वाटर बर्ड्स एक्ट एज मेल्टिंग पॉट, मेल्टिंग पॉट मतलब स्ट्रेन का न्यू स्ट्रेन का फॉर्मेशन, सारे वहाँ पे एंटीजेनिक ड्रिप शिफ्ट सारे और वाटर बर्ड्स नहीं होते, वाटर बर्ड्स पार्टिकुलरली इन द डक्स। एवियन इन्फ्लुएंजा का अगर आपको थोड़ा पता हो पैथोजेनेसिस, तो उसका जो सरफेस प्रोटीन होते हैं दो तरह के होते हैं, हीमेग्लोटिनिन और न्यूरामिनिडेज, तो एच फॉर अटैचमेंट, हीमेग्लोटिनिन हेल्प इन अटैचमेंट और न्यूरामिनिडेज हेल्प इन रिलीज ऑफ वायरस आफ्टर रेप्लिकेशन। ये एलिफेंट लिकोसिस को मैंने बताया कि जब सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन कर लेता है उसी समय को दिखता है, फ्लोरम कॉज करता है, सलमोनेला फ्लोरम कॉज करता है, पेसिलरी वाइट डायरिया, ऑल टाइफाइड इन केस ऑफ ऑल टाइफाइड सल्फर कलर्ड डायरिया देखें, इन केस ऑफ ऑल टाइफाइड द डायरिया विल अपीयर येलो सल्फर कलर्ड, ठीक है। ये एक लिस्ट मैंने डाला था रिगार्डिंग एवियन इन्फ्लेमेशन और मैमेलियन इन्फ्लेमेशन, आपको पढ़ाया हुआ है क्या ये यूजुअल आपने पढ़ा है ये? हेलो नहीं सर अभी तो नहीं पढ़ा, तो इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जिससे कि हेट्रोफिल नहीं बोलते हैं बारे में, उसको हेट्रोफिल बोलते हैं, ठीक है। थोड़े एनिमल्स का जो न्यूट्रोफिल होता है उसमें भी ग्रेनुल्स होता है, मगर इतने छोटे होते हैं कि देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसे केस में
यस। तो इसके केस में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं बड़े होते हैं, इसमें फिलिक होते हैं बड्स के केस में। इसको आप थोड़ा सा इतना टाइम नहीं है कि मैं डिटेल करूँ, जैसे पस इज नॉट फाउंड, प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स आर मिसिंग। और ह्यूमन के केस में, एनिमल केस में आपने देखा है जब इन्फ्लेमेशन होता है पहले न्यूट्रोफिल आता है बाद में मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस आते हैं, कि बर्ड के केस में दोनों एक ही साथ आते हैं, न्यूट्रोफिल नेट्रोफिल पहले आएगा मोनोसाइट बाद में नहीं आएगा, दोनों एक ही साथ आते हैं। एसिनोफिल्स का रोल ऑलमोस्ट नहीं होता है बर्ड्स के केस में, ठीक है। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में बेसोफिल का रोल है, और बेसोफिल आप जानते हो मैमल के केस में ऑलमोस्ट कोई पार्ट प्ले नहीं करता है इन्फ्लेमेशन में, लेकिन बर्ड में इसका रोल है। प्लस लिम्फ नोड्स नहीं होते बर्ड्स में, तो उसकी जगह लिम्फोसाइट एग्रीगेट्स होते हैं जो नोड्यूल्स की तरह फॉर्मेशन होता है, नोड्स नहीं होते। और किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन में एपिथेलियल सेल्स और जायंट सेल्स दिखता है। और इन केस ऑफ मैमल्स आपको अलग से याद करना पड़ता है इस वाला केस में ये वाला जायंट सेल्स बनेगा, ये वाला एपिथेलियल सेल्स आएगा, लेकिन बर्ड के किसी भी इन्फ्लेमेशन में आपको ये दोनों सेल्स मिल ही जाएंगे एनी टाइप ऑफ। तो यूजली मैमल्स में क्या होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, किलोमीटर्स इन्फ्लेमेशन में, लेकिन बर्ड्स का एक्यूट में भी दिख जाएगा एपिथेलियल सेल्स और जायंट सेल्स, और क्रोनिक में भी दिख जाएगा, ये थोड़ा सा अंतर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इंक्लूजन बॉडी किस किस डीजी में कहाँ पर मिलेगा, कि सारा लिस्ट देखो सारे ही इंट्रा न्यूक्लियर है, कोई भी नाम इंट्रा न्यूक्लियर है, बस पॉप्स होगा तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक कर दीजिएगा, बाकी किसी भी मत सोचिएगा, सारे इंट्रा न्यूक्लियर, सारे इंट्रा न्यूक्लियर, सारे इंट्रा न्यूक्लियर, सिर्फ पॉप्स में इंट्रा साइटोप्लाज्मिक याद रखिएगा। और ये सब जो मैंने कहा है जैसे समरी जो एकदम इंपॉर्टेंट है उसका फिर मैंने जगह किया है, नोडुलर ग्रोथ ऑन कॉम डेटिवली पॉक्स, ग्रैंड लेग डिपोजिशन फेवर्स, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट है, नेक्रोटिक एरिया इन माउथ डिप्थेरेटिक पॉक्स, पस्चुल ऑन द एसोफेजियल म्यूकोशा, विटामिन ए डिफिशियंसी, टर्किश टॉवल एकदम इंपॉर्टेंट है, ये फैगस या सॉरी थ्रस या कैंडिडियसिस के लिए है, डिस्टेंडेड एंड लार्ज क्रॉप, उसको बोलते हैं क्रॉप बाउंड, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है क्रॉप बाउंड है, टिप पे होगा प्रोवेंटिकुलर ग्लैंड के टिप पे तो रानी के डिजीज, इन बिटवीन ग्लैंड का होगा प्रोवेंटिकुलर तो डेट इज विल बी स्पायरोपिटोसिस, सिरोसेल पे होगा हेमरेजिस तो डेट विल बी बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों प्रोवेंटिकुलर ग्लैंड के हैं लेकिन हैमरेज अलग अलग जगह पे है और डिज अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। इन केस ऑफ रानी के डिज मैंने आपको पहले बताया सिकल टॉन्सिल्स में हैमरेजेज होंगे, अल्सर्स होंगे, नेक्रोसिस होगा, पिन पॉइंट डिफ्यूज हैमरेजेज, ब्लडी एग्जिडेट इन इंटेस्टाइन, कॉक्सिडियोसिस, ठीक है। सिकल कॉक्सिडियोसिस में तो बेसिकली सिका इन्वॉल्व होता है, लेकिन इन जनरल किसी भी कॉक्सिडियोसिस के केस में पूरे हैमरेजेज में पूरे इंटेस्टाइन में हैमरेजेज होंगे। इन केस ऑफ क्लोस्टिडियोसिस नेक्रोटिक म्यूकोसा विद क्रैक्ड सर्फेसिस, जहाँ जहाँ पे लोकस मेम्ब्रेन होगा नेक्रोसिस और क्रैकिंग दिखेगा। इन केस ऑफ ये भी क्लोस्ट्रिडियल डिजीज, न्यूक्लियर डिजीज, इसमें भी नेक्रोटिक अल्सर्स होंगे गिविंग क्रेट लाइक अपीयरेंस इन द मिलेट शेप नोड्यूल्स, मैंने बताया कोलिग्लियोमा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट में आता है, सिरोसल सर्फेस से मिलेट शेप नोड्यूल्स कोलिग्लियोमा, ये मैंने पूछा था तो स्वेलन क्लोएका जिसको वेंटिलेटरी बोलते हैं, ब्रॉन्ज कलर लिवर, कॉपर कलर लिवर, दैट इज फॉल कोलरा, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़े हो गया, चेरी डेड लीवर, चेरी जिसे लीवर के लिए हमेशा हम पूछते हैं कॉपर या ब्रॉन्ज कलर का फॉल कोलरा, लेकिन चेरी डेड लीवर भी होते हैं, और ये डेट इज टू एरिथ्रोलिकोसिस, मैंने लिम्फाइड लिकोसिस का एक पार्ट है एरिथ्रोलिकोसिस, वर्षा हाईली इनलार्ज्ड आईबीडी जानते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज का लिस्ट है, इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस, इन्फेक्शस बर्सल डिजीज, चिकन इन्फेक्शस एनीमिया, रानी के डिजीज, स्पायरोपिटोसिस एंड माइकोटॉक्सिकोसिस, ये सारे इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज सब पढ़े होंगे, अब शायद इसको नहीं पढ़े होंगे, आईबीएच इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस, बाकी सारे पढ़ेंगे, ट्विस्टिंग ऑफ नेक मैंने बताया एवियन एनसेफेलोमेलेशिया है, स्ट्रेचिंग ऑफ नेक लुकिंग स्काई स्टार ब्रिजिंग इंपॉर्टेंट है, ट्विस्टेड नेक लिस्टेरिया केस में भी होते हैं, ट्रीमर्स ऑफ हेड एनसेफेलोमेलाइटिस, थिक बॉडी डिजीज दो इंपॉर्टेंट है, फॉल पॉक्स स्पायरोपिटोसिस, मुझे दो याद आया मैंने लिख दिया इसमें और भी है एक दो ऐसे, लेकिन टिक से ये बीमारी फैलते हैं भाई, दैट इज पॉक्स एंड स्पायरोपिटोसिस, ये मैं ऑब्जेक्टिव में पूछता हूँ, ठीक है, बोथ और नॉन, फॉल पॉक्स स्पायरोपिटोसिस बोथ और नॉन, बोथ पूछिएगा टिक बॉडी डिजीज भी, एक बॉडी डिजीज का लिस्ट है ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, सीआरडी है, इन्फेक्शस साइनसाइटिस है, कोलोरम डिजीज है, फॉल टाइफाइड है, पैराटाइफाइड है, एरिजिनोसिस है, एवियन एनसेफेलोमेलाइटिस है, लिम्फाइड लिकोसिस है, इकोलाई इन्फेक्शन है, तो सारे एक बॉर्ड है। और ये जो मैं लोकेशन वाला बहुत सा लंबा लिस्ट आपको दिखाया था उसके एक जगह मैंने समराइज कर दिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी कितना भी देख लोगे तो आपका एग्जाम आपको सॉल्व हो जाएगा, एस्क्रेडिया गलाई स्मॉल इंटेस्टाइन, हेट्रेकिस सिका, सुगुलूरा सिका, ये आया हुआ है उसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोनों ही ऑप्शन थे सिका के लिए, स्ट्रंगोलाइट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिका, टेट्रामेयर प्रोवेंटिकुलस, किंगैलोनेमा क्रॉप,
सिंगामस ट्रैकिया ट्रैकिया कैपिलेरिया एमोटिनिया एमोलेपिस रेलेटिनिया कॉन्टिनिया ये सारे हैं आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है। डेवेनिया पाया जाता है ड्यूडेनम और ये एकदम इंपॉर्टेंट है इसको अलग से याद कर लो प्रोस्टेगोनियमस ओवेटस बर्सा ऑफ फैब्रियस एंड ओविटेक्टिन पाया जाता है Prostagonimus ovatus is found in bursa of Fabricius, Fabricius and oviduct both. एकदम याद रखेंगे ठीक है। और Histomonas maligridis, Cica and Liver. ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले को मैंने एक जगह डाल दिया है प्लस इसको मैंने आपको बताया है ब्लड का जो डिफिशियंसी डिजीज है विटामिन ए डिफिशियंसी से न्यूट्रिशन रूप और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ये कोई डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से विटामिन डी केज लेयर पैरालिसिस विटामिन ई इंसेफेलोमेलेसिया इंसेफेलोमेलाइटिस नहीं है मलेसिया है एक्सुडेटिव डायथेसिस है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है विटामिन के की कमी से हेमरेजेज होते हैं आप जानते हो थायमिन से स्टार गेजिंग बी टू से स्कर्व पैरालिसिस पेंटोथेनिक से क्रैक फुट फॉलिक एसिड पैरालिसिस कोलिन स्लिप टंडन कैल्शियम फॉस्फोरस ऑस्टोकॉन्डल जॉइंट का एनलार्जमेंट मैंगनीज पैरेट वीक एपियरेंस ऑफ एम्ब्रियो कॉपर से एनीमिया और कमी से एंड जिंक डिफिशियंसी से स्केलियल डिजीज हो रहा है दिस वाज समथिंग गुड What it is diagnosis, ठीक है और आपका क्लास है अभी ठीक है ज्वाइन करो थैंक यू कोई प्रॉब्लम होगा तो बात कर लीजिए पूछ लीजिए ठीक है थैंक यू सर पीपीटी हमें भी शेयर कर दीजिए हाँ यस सर ये वाला स्लाइड सर बाथरूम में मैं डाल दूंगा वहीं से ले लीजिएगा ठीक है ओके पीजी वाले में सर वाले पीजी वाले डाल देते हैं पीजी में डाल दूंगा ये जी में भी डाल दूंगा ठीक है।